साहिल अच्छा फिलहाल तो मैं विफोर मैं, मैं भूल जाऊँ उससे पहले मैं वापस पूछता हूँ ग्यारह गिनाए ये और मैं चाहता हूँ कि हर कोई इससे सहमत है या नहीं वो बताएं पहले बिल्कुल सो so, मेरी ग्यारह राहुल द्रविड मॉडल या रवि शास्त्री मॉडल पर नहीं है माए ग्यारह इज बेस्ड ऑन द फैक्ट कि मैंने के एस भारत को चार दिन कोटला में ऋतिक शौकीन के आगे स्ट्रगल करते हुए देखा है तो कैसे हम उसको कवर करेंगे और क्या रहना चाहिए ओपनर्स विल बी रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल आई वोट प्ले के एल राहुल इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम एक वाइस कैप्टन को ड्रॉप करेंगे कोहली ने अजिंक के राे को भी साउथ अफ्रीका में बैठाया हुआ यू प्ले द प्लेयर जो अभी आपका तीन फॉर्मेट डोमिनेट कर रहा है तीन के ऊपर पुजारा चार पे कोहली पांच पे यू गोविथ स्काय पांच पे यू गोविथ जड्डू छः पे यू गोविद स्काय सात पे यू गोविथ के एस भारत बिकॉज ही इज अ वेरी गुड कीपर प्रॉब्ली साह के बाद अगर कोई सेफेस्ट हैंड इन द सर्किट अभी है गोइंग अराउंड आई थिंक इट्स के एस भारत दो hmm. स्पिनर खेलेंगे अक्सर मुश्किल है खेलना क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास छह लेफ्ट हैंडर है तो वहां पे आप कुलदीप का वेरिएशन चाहोगे बिकॉज दे आर वेरी हैवी ऑन द फ्रंट सो अश्विन विल बी देयर कुलदीप विल बी देयर जड्डू विल बी देर एंड द टू सीमर्स वुड बी मोहम्मद शामी एंड मोहम्मद सिराज सो सिंपल ईशान आई डोंट सी अ प्लेस फॉर ईशान किशन एंड के राहुल इन माई इलेवन तुम नंबर तीन पे पहुंचने से पहले चेतन कुछ <laughs> बना गया

कैप्टन को बिठाएंगे इंडियन क्रिकेट में वाइस कैप्टन को बिठाना इज अ वेरी वेरी बिग पॉइंट श्रीनी नोज दैट वेरी वेल जेवी नोज गिल शुभ गुड एस फॉर्म आई द फर्स्ट टेस्ट यू नो फर्स्ट पॉइंट इट सेल्फ के एल राहुल ही विल कम बैक ही नॉट एन मच रॉन्ग इन दैट पर्टिकुलर सेंस ऐसा नहीं है कि वो रन नहीं बना रहा है बिल्कुल ऐसा नहीं है हाँ जैसे शुभमन गिल रन बना रहा है वैसे रन नहीं बना रहा है और के एल राहुल प्रॉबली हीज नॉट द फ्लेवर ऑफ दस एट द मोमेंट ज्यादा फैंस उनको पसंद नहीं करते हैं बट रिमेंबर फैंस डोंट पिक दिलवन ठीक है फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात मैं वहां पर भी कहना चाहता हूँ जब आपने कहा कि सरफराज खान टीम में नहीं आए उस पर भी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे बिकॉज दैट इज अ वेरी वेरी हॉट टॉपिक बट फर्स्ट ऑफ ऑल शुभमन गिल फर्स्ट टेस्ट आई डोंट सी एम हाँ उसमें यह जरूर हो जाता है बिकॉज शुभमन गिलर कि आप उनको इतना वेट नहीं करा सकते के एल राहुल के सर पर एक तलवार अटकती रहेगी मे बी हीस

केएस एस भरत वॉज द अंडर स्टडी टू टू बोथ टीज कीपर्स जब भी पंथ को रेस्ट दिया गया तो ये आए थे न्यूजीलैंड के सामने मैच के बीच जब ऋदिमान साहब के गर्दन में चोट थी फ्रॉर अशन द गाई कैप्टी ने समुल से ऑन पॉर तो जहां पर कीपिंग की बात है यू विल चेतन सेल गो फॉर द कीपर बाकी आप देखो जगह किसकी बनी है क्योंकि श्रेयस अये नहीं है एंड लाइक साहिल सैद पंत नहीं है बट मैं कह रहा हूं गिल भी खेलेंगे राहुल भी खेलेंगे आप वाइस कैप्टन को ड्रॉप नहीं कहेंगे चेतन एक बात में वो राहुल बिल्कुल अगर आप उनका टेस्ट परफॉर्मेंस देखें डिजर्व इन माई माइंड टू बी इन द स्कॉट बट सही बात है वो वाइस कैप्टन है वो खेलेंगे क्योंकि वो नंबर पांच पे काफी खेल चुके हैं जब इंग्लैंड टीम गई थी तो ही वाज एक्चुअली पिक्ड एज अ नंबर बैट्समैन बट गिल गॉट इंजर्ड इंजर्ड ही हैड टू ओपन सो ही प्लेज एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन सूर्या हैज डन ग्रेट थिंग्स सूर्या का टाइम अभी नहीं आएगा टेस्ट क्रिकेट में बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टेस्ट ऑफ अ वेरी बिग इंपॉर्टेंट सीरीज वो चल सकते हैं आई नो ही गॉट दैट एंड और इन टू मुंबई ही प्लेड पर उनको अभी खिलाना रिस्क इनका वनडे फॉर्म काफी खराब है यू आर पिकिंग ऑन फॉर्म गिल बहुत लोग कहेंगे

फोर नाव ओके वाइस कैप्टनसी मिलती है जब रोहित शर्मा नहीं होते ठीक है बट क्या आप एकदम से उन्हें टेस्ट क्रिकेट में डालोगे उनके जो नब्बे पिचासी जो भी आए हैं वो सौ के स्ट्राइक रेट से ज्यादा आए वी डू वी एक्चुअली नीड दैट अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आई डोट थिंक सो जिस नंबर पर वो बैटिंग करने आएंगे सो यस एज ही सेट सूर्य कुमार यादव शायद अभी पहले दो टेस्ट में नहीं एज फार एज द बोलिंग इज कंसर्न बोलिंग कॉम्बिनेशन आई वुड गो विद द सेम बॉलिंग कॉम्बिनेशन एज साइल्स बिकॉज यस एम कुलदीप यादव फैन एज वेल थोड़ा बहुत या

सूर्य कुमार यादव का टाइम एज अ टेस्ट बैट्समैन इज हेयर आई थिंक ही ही प्ले प्ले ओनली बिकॉज ऑफ द श्रेयस इंजरी एंड वाई आई से दैट एंड दिस इज वेयर आई विद यू पे आपने दो बातें कही थी पहली बात आपने कहा था कि राहुल और गिल दोनों खेल सकते हैं दूसरा आपने कहा था कि गिल जो है विराट कोहली के लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट है एट नंबर फोर अगर विराट कोहली के लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट हैं गिल तो आप उनसे ओपनिंग क्यों करा रहे हैं आप एक बैट्समैन को ही बीन ओपनिंग सो फार फॉर इंडिया इन टेस्ट क्रिकेट अगर आप उनको लॉन्ग टर्म विराट कोहली का रिप्लेसमेंट uh, देखते हैं विराट कोहली वो सीन एज सचिन तेंदुलकर लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट सो ही स्टार्टेड आउटर फाइव ओपन तीन पे भी नहीं लेकर गए पे कराया, कराया पे शुभमन गिल को आपने यू गिवन हिम टाइम यू गिवन हिम अपॉर्चुनिटीज टू डेवेलप एज एन ओपनिंग बैट्समैन और अभी भी अक्रॉस फॉर्मैट्स

वो अंडर नाइनटीन के उनके दिनों से देखिए वो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन ही थे तो वो ऑस्ट्रेलिया की जब सीरीज थी उन्हें भेजा गया वो ओपन कर गए बट आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी एक यंग लड़के को उस लड़के ने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शोल्डर किया ठीक है अब वो चाहे वो मतलब यू नो एक एक बड़ा कॉमन सा लाइन होता है हम जब क्रिकेटर्स से बात करते हैं जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट कवर किया हो वो कई बार ये लाइन शायद हम हर रोज सुने हो कि मुझे जो बोला जाए मैं करूंगा आई एम अवेलेबल फॉर एवरीथिंग टीम मैन तो शुभमन को बोला गया आप ओपन करो शुभमन ने ओपन किया <coughs> इतने यंग थे कि उनका खुद का कोई से था नहीं वो तो ये बोल नहीं सकते थे कि भाई मैं तो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन तो आप जब एक प्लेयर को एक रोल देते हो और वो प्लेयर उस रोल को एक्सेप्ट करता है यंग लड़का है उसमें वो हार्ट है जिगर है जिसके कारण वो हाँ बोल रहा है ठीक है तो आप में वो हार्ट और आप में वो जिगर रहना चाहिए उसको आगे बढ़ के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और देने की जी। आप एक बार उसे वहां डाल के फिर आप यह मत बोलिए कि नहीं order, ये मिडल ऑर्डर ओपनर नहीं है ये, एक मिनट तो मेरा ख्याल है कि शुभमन को वो रोल दिया गया है डेट <coughs> रोल वो अभी शुभमन को एक एम्पावर करना चाहिए और इसीलिए मैं जेमी के उस व्यू से एक्सेप्ट कर, अग्री करता हूं कि राइट नाउ सूर्य कुमार यादव का फॉर्म ऐसा है कि वो किसी भी टीम में अंदर चले जाए उन्होंने पिक नहीं नहीं किया सूर्य मैं 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 वही कह कह रहा 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 आई उसी रास्ते चल रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि का फॉर्म जो है वो किसी भी टीम में आज एंटर कर सकते हैं बट मैं अग्री करता हूं कैप्टन को बिठाना राहुल द्रविड के कोचिंग में नहीं, कोचिंग होने, में वाला। नहीं होने वाला राहुल द्रविड़ के कोचिंग में वो नहीं होने वाला सो के राहुल खेलने वाले अब मुद्दा ये उठता है तो स्काई की तो बात तय हो गई है कि स्काई शुड मेक वे यू नो राहुल खेलेंगे अब बात यह है कि ओपन कौन करेगा रोहित शर्मा के साथ और यहां पे ठीक है मैं मानता हूं कि शुभमन गिल जो है वो ओरिजिनली एक मिडल ऑर्डर बैट्समैन थे बट राइट नो आपने उनको एक एम्पावर किया आपने उनको बोला है कि आप शोल्डर करो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखो आप जिस लड़के को ऑस्ट्रेलिया भेज सकते हो यह बोल के कि वहां जाके ओपन कर उसको आप ऑस्ट्रेलिया जब यहां आई दोगे विराट पांच पे खेल रहे थे जब तक सचिन के एक बैकअप की तरह देखा जा रहा था या जो भी है वैसे ही शुभमन का एक एक क्राइटेरिया है कि उनके लिए ओपनर ओपनर की जगह है उन्हें वहां खिलाया जा रहा है जैसे ही वो एक वैकेंसी बनेगी जब भी बनेगी ही कैन कम डाउन एट थ्री और फोर तो वो तो एक मिक्सअप करा जा सकता है सो दिस इज माई ओपिनियन अबाउट शुभमन दैट इफ ही ही इज इफ इज ओपनिंग द इनिंग्स दैट्स फाइन जब तक वो वैकेंसी वहां तक है वो ठीक है तो जेमी हम बात कर रहे हैं ऑर्डर इंटेंट। क्या हम इतना भरोसा खो चुके हैं अपने टॉप थ्री फॉर में कि हमें पता है कि जो पांच छह पे खेलेगा काउंटर अटैक की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी एंड जस्ट टू गो और चेतन ने बिल्कुल सही बात की कि ऋषभ पंत ने वो काउंटर अटैकिंग इनिंग्स खेला तो आप

के के एल राहुल मेरी खुद की राय है कि उनको नहीं होना चाहिए स्क्वाड में बट वो है ऊपर से उनको वाइस कैप्टन का टैग डाल दिया ब्रैकेट में तो वो बंदा खेलेगा ही अगेन

तो वहां टिंडर के ऐड लगे हुए हैं उनके नाम पे तो झगड़े हो जाएंगे नागपुर में